आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इन दिनों हर जगह अर्जुन की बात हो रही है। आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम में जगह नहीं मिली है। हालांकि अर्जुन को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें मुंबई की टीम में जगह मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और तो और अर्जुन को उन 292 खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा गया जिनकी नीलामी आईपीएल 2021 के लिए होनी है। ये बात अलग है कि उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखी गई है, जो आईपीएल के हिसाब से काफ़ी कम है। आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर है कौन और क्यों बने हैं इस बार चर्चा में, तो सुनिए। क्रिकेटर के भगवान कहे जाने वाले भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर। आपको बता दें कि 18 फरवरी को चेन्नई में होने वाले नीलामी में कुल 8 टीमें भाग लेंगी। आईपीएल की नीलामी सूची में 10 खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस वाले ग्रुप में रखा गया है, जो सबसे ज्यादा है। वहीं महान बल्लेबाज सचिन के बेटे अर्जुन को सबसे कम बेस प्राइस 20 लाख वाले ग्रुप में रखा गया है। इस बार के आईपीएल में 8 टीमें 61 खिलाड़ियों को नीलामी में खरीदेगी। ऐसे में अब यह देखना होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी के बाद सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल के लिए भी कोई टीम खरीदती है या नहीं। बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, वो बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं। 21 साल के अर्जुन तेंदुलकर अंडर 19 भारत की टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच का अभी अनुभव नहीं है। इधर आईपीएल गोवरिंग काउंसिल ने भारतीय के स्पिनर हरभजन सिंह और बल्लेबाज केदार जाधव को 2 करोड़ के वर्ग में रखा है। इन दोनों को इसी साल चेन्नई ने रिलीज किया है। इसमें 8 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल, स्पिन स्मिथ, साकिब अल हसन, मोइन अली, सैम ब्लिंक्स, लियान पंत के, जेसन रॉय और मार्क वुड के नाम शामिल हैं। नीलामी सूची के 164 भारतीय हैं, 125 विदेशी और एसोसिएट देशों के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास सबसे ज़्यादा 13 जगह खाली हैं। सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 3 खिलाड़ियों को खरीद सकता है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम सबसे ज्यादा 53 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि के साथ नीलामी में उतरेगी, जबकि हैदराबाद के पास 11 करोड़ से कुछ कम राशि है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास 22 करोड़ 70 लाख रुपए हैं और उसके पास टीम में 7 प्लेयर की जगह अभी भी खाली है।